ईशा किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अभी ब्रेकफास्ट में ढोकला बनाने जा रहे थे, तो हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर सोचा आप लोगों के संग शेयर कर लें, तो इसलिए हम बता नहीं पाएँ कि दाल कैसे गलानी है। हमने आधा कप दाल लिया है, 2 चम्मच उड़द की दाल ली है, 2 चम्मच पोहे लिए हैं, उनको गला दिया था 3 से 4 घंटे, उसके बाद पीस लिया है। उसमें हमने 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच दही डाल करके पीस करके रात भर के लिए रख दिया था। अब इसको हम इसमें हमने अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला है, नमक डाला है और हल्दी डाली है और थोड़ी सी हरी धनिया भी डाली है। और अब 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। फ्रेंड्स, ये ढोकले का बैटर ऐसे ही ठीक रहता है। हमने इसके पहले एक वीडियो डाला है श्रुति लोचा का, जो सूरत का, गुजरात का बहुत ही फेमस सूरत का लोचा एक डिश है, तो उसका बैटर भी एक सेम इसी तरह बनता है, पर उसको वो बहुत पतला रहता है। और ये ढोकले का बैटर इस तरह सेम चीज़ से, सेम दाल से बनेगा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून इनो डालेंगे। इनो डालने के लिए मुझे थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा, आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं इसमें। फ्रेंड, हमने जो पोहे लिए हैं, आप उस जगह चावल भी ले सकते हैं, उसको चावल को गला दीजिए और तीनों चीज़ को एक साथ पीस लीजिए। अब ये बैटर तैयार है, हमने पॉट में ऑयल लगा दिया है। तो फ्रेंड इसको इसमें डाल देंगे। फ्रेंड, हम ढोकला तो बना रहे हैं, पर रसे वाला ढोकला बना रहे हैं, जो गुजरात में सूरत में बहुत ही फेमस है, रसे वाला ढोकला, आप उसे ग्रेवी भी कह सकते हैं, पर वो रसे के साथ सर्व किया जाता है, तो हम वही ढोकला बना रहे हैं। अभी इसके बाद ग्रेवी बनेगी इसकी। फ्रेंड, पॉट को पहले ऑयल से आप ग्रीस कर लीजिएगा, तब डालिए। और इतना ऐसे ही डालना, मतलब इतना गैप होना चाहिए जिसमें कि वो ऊपर, अभी ये उठेगा, स्पंज होगा, तो इसलिए आपको इतना ही डालना चाहिए। चलिए, अब हम गैस पे रख देते हैं इसको। फ्रेंड, ये रख दिए, अब इसको हमको ढक देना है और 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे स्लो फ्लेम पे। फ्रेंड, जब तक ढोकला हो रहा है तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसमें क्या क्या चाहिए ये देख लीजिए। ये लाल मिर्च पाउडर, ये एकदम तीखी चटक बनती है, खूब चटपटी, इसलिए इसमें लाल मिर्च पाउडर हमने लिया। हरी मिर्ची अपने अंदाज से हमने लिया, हमको तीखा है खाना, तो इसलिए हमने अधिक लिया है। और गरम मसाला भी इसमें खूब अच्छे से जाता है। ये 1/2 टीस्पून हींग है और नमक अपने टेस्ट के अनुसार दीजिएगा। तो सबसे पहले हम तेल चढ़ा चुके हैं गैस पे, और ये 2 टेबल स्पून है बेसन, इसको आपको पानी डाल के हल्का सा पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। इसमें आप जैसे 2 चम्मच हमने लिया है बेसन, तो इसमें कम से कम 2 कप पानी जाएगा। और ये ठीक कितना रखना है, कितना आपके, आप अपने अनुसार रखिएगा, क्योंकि कढ़ी किसी को बहुत पतली पसंद रहती है और किसी को ठीक ठीक गाढ़ी घड़ी। तो ये बैटर तैयार हो गया, इसमें हम और पानी डाल दें थोड़ा सा। तो अब हमने पैन चढ़ा दिया है गैस पे। फ्रेंड, ये हींग इसमें डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, ये गरम मसाला और ये नमक, नमक आप अपने अनुसार से लीजिएगा। इसमें हल्दी भी जाता है फ्रेंड, हमने हल्दी आपको नहीं बताया, अभी हल्दी भी डालेंगे। इसको आप लगातार चलाते रहिएगा, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और फिर इसको खौलाएंगे। अब इसको एक उबाल आने देंगे। फ्रेंड, देखिए ये हो गया, अब हम इसको निकाल रहे हैं, थोड़ा सा निकाल भी चुके हैं, तो इसको अब निकाल कर हम रख लेंगे। और अब जो ग्रेवी है, तो उसमें आपको दिखा दें, उसमें भी थोड़ा सा ये ढोकला जाएगा। फ्रेंड, इसमें 1-2 ये ढोकले को मैश करके ऐसे डाल देंगे, इससे अच्छा टेक्सचर रहता है इसका और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है और थोड़ा सा थिक भी हो जाता है। देखिए ऐसी रहती है ग्रेवी, ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा सा और इसको खोला लेंगे।
अच्छी एकदम अच्छी बन चुकी है, जैसी चाहिए थी वैसी हो चुकी है। ढोकला डाला है तो थोड़ा सा और उसको हो जाए, खोल जाए। इस पे हमने धनिया डाल दी और ये राई को थोड़ा सा बस तेल में वो कर लिया, तड़का लिया, इसको डाल दीजिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही डालिएगा, बहुत लोग तो नहीं डालते हैं। करी लीव्स और मिर्ची रहती, लेकिन आप चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर हम रसे के साथ बनाएं तो रसे वाले ढोकले के साथ खाना है तो इसलिए। और फ्रेंड हम इसके संग एक सलाद भी जाता है, तो ये हमने बना लिया है। इसको आपको टमाटर है, प्याज है, चाट मसाला है और नमक और लाल मिर्च पाउडर, बस ये मिलाकर। अगर आपके पास कैबेज है, पत्ता गोभी, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, पर हमने नहीं डाला है। तो फ्रेंड अब आपको इसको सर्व कैसे करना है ये बता दें, एकदम जैसे वहाँ पर सूरत में मिलता है वैसे ही, एकदम स्ट्रीट फूड की तरह ही। इसको आपको इसमें तोड़ लेना है, अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, हरी धनिया डाल दीजिए। अब ये जो हमने प्याज का और टमाटर का बनाया था वो थोड़ा सा ऐसे पड़ेगा चारों तरफ, इस तरह। अब आपको बीच में थोड़ा सा ऐसे गैप होल कर लेना है, और अब इसमें ग्रेवी डालेंगे। तो फ्रेंड ग्रेवी ऐसे बीच में ही डालेंगे, और अब थोड़ी सी सेव डाल देंगे। सेव को ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये ग्रेवी को एकदम सोख लेता है, इसलिए थोड़ा सा ही डालेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए रसे वाला खमण तैयार है, तो आप अपने घर में भी बनाइए, एंजॉय कीजिए सूरत की फेमस रसे वाला खमण। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।